हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। इस वक्त टाइम 9 बज रहे हैं और मैं अब जा रही हूँ नहा के पूजा करने। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और बताइए सबके, आप लोग क्या भी इसी तरह मॉर्निंग का टाइम होता है जैसे मैं कर रही हूँ। बच्चों के जाने के बाद, बच्चे स्कूल जा चुके हैं तो मैं बच्चों के जाने के बाद अपना काम कर रही हूँ। सुबह सुबह तो उठते ही बच्चों में लग जाओ, घर के काम में लग जाओ, बाद में रिलैक्स होके फिर मैं अपना काम करती हूँ। वही मैं नहा के बस पूजा करने आई हूँ। पूजा करके फिर तब मैं बाकी काम करूँगी, लंच का भी काम तब करना होगा। और बस पूजा ही हो रही है इस वक्त, आरती मैं कर रही हूँ। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे भगवान के। ये देखिए लड्डू गोपाल बड़े वाले हैं। देखिए जो लड्डू गोपाल ने जो वस्त्र पहने हैं वो मेरी बेटी ने बनाया है अपने हाथों से। ये जो पोशाक पहनी इन्होंने ऑरेंज कलर वाली, वो मेरी बेटी ने बनाए हैं। और उनका मुकुट भी उसने बनाया है। उसे ये सब काम बहुत अच्छा लगता है। वो खुद ही भगवान के कपड़े, लड्डू गोपाल के कपड़े तो वही बनाती है। वो पहले मैं लेती थी बाहर से रेडीमेड, लेकिन अब वही बनाती है। लीजिए और भगवान के दर्शन कर लीजिए। देवी जी है मेरी सारी भगवान। अब मैं पूजा करके किचन में आ गई हूँ। और बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने सब दिया था, तो अब किचन बहुत फैला हुआ है, उसमें फैला हुआ है, तो वो निपटा रही हूं। मैं लिट्टी चोखा रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो ये मैंने ले लिया है बैंगन, धनिया, टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक तो मेरे पास नहीं था, वरना अदरक भी पड़ता है इसमें। इसे मैंने छील के रखी है, तो अब इसकी चॉपिंग होगी। चॉप करके फिर मैं इसको बैगन में थोड़ा सा तेल लगा के और इसको रोस्ट करने को रखूँगी। मैं डायरेक्ट गैस पे ही रोस्ट करती हूँ, मैं बॉयल नहीं करती हूँ इसको। और रोस्ट करने का स्वाद एक अलग ही होता है। और जब लिट्टी चोखा खाओ तो इसका स्वाद एकदम इसका दूसरा ही होता है, जो आग में भुना भुना सा टेस्ट आता है। और ये मैं घर का ही रोस्टेड चना ग्राइंड करके इसको मैंने बना लिया सत्तू। और इसको मैं बाज़ार से नहीं लेती हूँ, रेडीमेड वाले पैकेट जो आते हैं, मैं इसी का बनाती हूँ घर में ही रोस्टेड चने को। और मैं छिलका भी नहीं निकालती हूँ, छिलके सहित मैं बना पीस देती हूँ इसको। और इसमें मैंने, और आप लोग अगर पैकेट लेते हो तो एक बार आप इस तरह से भी ट्राई करिएगा रोस्टेड चने का बना के, तो इसका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये सत्तू। स्टफिंग जो लिट्टी की होती है उसी के लिए मैंने ये सब तैयारी की है। धनिया, अदरक, नहीं अदरक नहीं, और प्याज, हरी मिर्च, अजवाइन हाथों से क्रश करके, वो जो लाल वाले मिर्च होते हैं अचार भरे वाले, वो नींबू, नमक, थोड़ी सी हींग भी मैं डालती हूँ इसमें, क्योंकि चना होता है ना वो थोड़ा सा नुकसान करता है पेट के लिए। और सब अच्छे से मिला लीजिए, मैश कर लीजिए हाथों से मिला के। अचार बचार मसाला जो है उसका खूब अच्छे से मिलाइए। उसको थोड़ा सा सरसों का तेल तो डालते हैं साथ में इसको और गीला करने के लिए, तो मैं तो थोड़ा पानी मिलाती हूँ, जिस अच्छे से स्टफिंग करने में ठीक रहे। के लिए लिट्टी में ये है चोखा तैयार हो रहा है। देखिए आलू को मैंने मैश कर लिया है, इसमें प्याज मिलाया और सब लहसुन मिलाया। ये टमाटर भी मेरे रोस्ट हो गए हैं। बहुत से लोग तो टमाटर वगैरह बैगन वगैरह रोस्ट करके इसको धुल भी लेते हैं, लेकिन मैं नहीं धुलती, क्योंकि इसमें जो एक तरह का जो सोंधापन है वो चला जाता है धुलने से, तो मैं नहीं करती। मैं अच्छे से छिलका इसका निकाल के और बस मैश कर लिया मैंने इसे आलू में, आलू, बैगन, टोमेटो। और इसमें मैं मिर्च मिलाती हूँ, जो सूखी वाली आती है खड़ी वाली लाल मिर्च, वो मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ। ये रोस्ट करके मैं इसको हाथ से तोड़ दीजिए, ना हो तो चाकू से ही आप महीन महीन सा चॉप कर लीजिए। तो चोखा मेरा तैयार हो चुका है। बस धनिया मिलाइए, नमक, सरसों का ऑयल,
बस मिला के अच्छे से, इसमें भी नींबू भी मिलाना होगा तो बहुत अच्छा है। बहुत से लोग हैं नहीं भी मिलाते हैं नींबू, लेकिन मैं मिलाती हूँ नींबू मिलाती। अरे मैं दाल बनाया है, मैंने तो दाल फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने टोमेटो थोड़ा सा लिया, धनिया और ये देखिए प्याज लहसुन जीरा सब अच्छे से फ्राई करके फिर दाल फ्राई कर लूँगी। लिट्टी चोखा के साथ दाल भी अच्छा लगता है, दाल के साथ भी खाते हैं। बच्चे तो मेरे ख्याल दाल नहीं लेते हैं, लिट्टी चोखा ही उन्हें चाहिए, लेकिन हस्बैंड को दाल चाहिए और जो मेरा बेटा है उसे भी दाल चाहिए। तो वो दाल और लिट्टी ही खाता है तो चोखा नहीं खाता। मैं तो चोखे में इसलिए मिर्च मिला देती हूँ क्योंकि वो चोखा छूता ही नहीं है, उसे खाली लिट्टी और दाल से ही खाना होता है। और बस इसको भर के मैं इसको देखिए अब पे मेकर मैं उसी बनाती हूँ लिट्टी चोखा। ऐसे आप लोग ही बना सकते हैं, जो रोस्टेड वाला लिट्टी होता है इस तरह से अच्छे से भर लीजिए इसको, और जितना अच्छे से भरेंगे वो उतना ही टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए अपने मेकर में, और गैस एकदम सिम पे रखिए और उसी में धीरे धीरे उसको पलटते पलटते रहिए इसी तरह से, तो बहुत अच्छे से अंदर तक सिक जाती है लिट्टी। और ये तरफ बेटा मेरा स्कूल से आ गया है तो उसको चाहिए पराठा पोटैटो, भूख लगी है तो मैंने कहा चलो पोटैटो पराठा बना देती हूँ। ये देखिए लिट्टी तैयार हो चुकी है। अब मैं इधर आ रही हूँ कपड़े फैलाने, मशीन में कपड़े पड़े थे तो चल चुकी है। मैंने सोचा कि लॉक कपड़े डाल दूँ, धूप का कोई भरोसा नहीं, धूप कभी आता है कभी चला जाएगा। बादल तो हो जाएगा लेकिन 4-5 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, बहुत उमस हो रही है, चिपचिपी वाली सी गर्मी हो रही है आजकल। तो मैंने कहा कपड़े तो डाल ही दूँ, और एक तरफ तो जो है किचन का भी काम चलता है, एक तरफ घर के बाकी काम होते रहते हैं। काम तो घर में सभी के रहते हैं, और आप लोग भी बताइएगा कि कैसे क्या है काम आप लोग का कैसे होता है। मेरा तो खैर देखिए कपड़े डल गए, अब मैं आई हूँ लंच करने, सबने लंच कर लिया है। ये रोटी सब्जी से ज़्यादा अच्छे तो मुझे लिट्टी की लगती है, इसके अंदर का जो सत्तू है बहुत टेस्टी लगता है। वो आइए आप लोग भी खा लीजिए। अब मैं आ गई हूँ कपड़े डालने, भगवान के कपड़े हैं उनको मैंने वॉश करने के लिए रखा था और उसको मैं साफ़ कर रही हूँ, तो अब साफ़ करके इसको भी मैं डालूँगी। काफ़ी गंदे कपड़े, उसमें टीका भी का भगवान के टीका चंदन होता तो उसमें काफ़ी गंदा हो जाता है। मैं 15-15 दिनों भगवान कपड़े इकट्ठे करके फिर उनको वॉश करती हूँ। ये देखिए गंदे क्या है, उसमें थोड़ा बहुत येलो वाले टीके लग जाते हैं चंदन, तो उसकी वजह से कपड़ों में थोड़ा चंदन कलर आ जाता है। अभी ने भी मैं डालूँगी। मेरा कपड़े बहुत निकलते हैं भगवान के, ये तो टीका पोछने के भी मंदिर भी पोछने के हाथ भगवान के पास, ये भगवान के कपड़े, ये तो आधे कपड़े हैं, अभी आधे कपड़े और मैंने रखे हैं भी हो गए, उन्हें भी धुलना है। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग मैं कपड़े उठा रही हूँ, ये देखिए आपको अगर भगवान की अच्छी ज्वेलरी और उसका कलेक्शन देखना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको ज्वेलरी दिखाऊंगी भगवान की। मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन हैं, और जैसे आपको पसंद हो तो आप बताइएगा, मैं उनका ब्लॉग दिन करूंगी, उसमें आपको उसका हॉल कर दूंगी, भगवान की ज्वेलरी के हॉल दिखाऊंगी। और इस आज का ब्लॉग बस यहीं तक का था, फिर भी लेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।